Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing great. My name is Uzair Siddiqui and I'm representing Silk Consultant here today. Welcome back to another video. Aaj ka jo hamara video ka topic hai wo aapko title dekh ke to maloom ho hi gaya hoga. Ji haan, aaj hum discuss karne wale hain ki once aapka visa lag gaya hai, aap UK land kar gaye hain, iske baad kaun se most important documents hain jo humne fauri taur ke upar apply karne hote hain. अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि हमने ऑलरेडी एक स्टडी वीज़े के ऊपर, यूके स्टडी वीज़े के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दी है. उसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है कि यूके स्टडी वीज़ा प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. इसके अलावा हमने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एक वीडियो बना दी है कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह मेंटेन करनी होती है, बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है. लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक इन द वीडियो. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होने जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी हमने फौरी तौर पे अप्लाई करने होते हैं यूके पहुंचने के बाद. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारा बीआरपी है, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट. ये बेसिकली हमने खुद कलेक्ट करना होता है. ये हमारा वहाँ पर एक रेजिडेंस परमिट होता है. जब हम पासपोर्ट पाकिस्तान में कलेक्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ से हमें तीन पेपर मिलते हैं साथ, A4 साइज़ के तीन पेपर होते हैं, वो संभाल के रखने होते हैं. ओबियसली उसके ऊपर हमारा बीआरपी का एड्रेस मौजूद होता है कि यूके पहुंच के हमने बीआरपी अपना कहां से कलेक्ट करना है. ज़्यादातर केसेस के अंदर वो दो जगहें होती हैं, या तो लोकल पोस्ट ऑफिस होता है यूनिवर्सिटी के नियर बाय, या वो यूनिवर्सिटी का अपना ही एड्रेस होता है. तो उस एड्रेस को फॉलो करते हुए हम वहाँ पर जाते हैं और अपना बीआरपी कलेक्ट कर लेते हैं. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो हमारा सर्जी रजिस्ट्रेशन हमने करानी होती है. बेसिकली जो भी हम जिस एरिया में जाके हमने रहना है, फॉर एग्जांपल हम हेज़ के अंदर जाके रह रहे हैं, तो हेज़ का हम देख लेंगे लोकल सर्जी सेंटर कौन सा है जो कि वहाँ की लोकल काउंसिल के साथ ऑथराइज्ड है. उसका एक तरीका है रजिस्टर करने का कि एनएचएस की वेबसाइट के ऊपर जाके हम अपना एड्रेस डालेंगे, पोस्ट कोड डालेंगे, और हमारा नियर बाय जो सर्जी होगी वो हमें शो हो जाएगी. हम उसको ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और हम ऑनलाइन रजिस्टर हो सकते हैं. सेकेंड, इसका जो एक तरीका है कि हम फिज़िकली खुद चले जाएँ सर्जी में और वहाँ पे जाके एक हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो देते हैं, हम वो खुद मैन्युअली फिल करें, उनको जमा करा दें और हम अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा बैंक अकाउंट है. हमने जाते के साथ ही बैंक अकाउंट अपना खुलवाना होता है. बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारा बीआरपी होता है और दो प्रूफ ऑफ एड्रेस होते हैं. पहला प्रूफ ऑफ एड्रेस तो हमारा टेनेंसी एग्रीमेंट होता है. हम जिस भी प्राइवेट रूम के अंदर, कोई शेयर्ड अकोमोडेशन में, जहाँ मर्जी हम रह रहे हैं, हम अपने ऑनर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें टेनेंसी एग्रीमेंट बना के दे दे. वो टेनेंसी एग्रीमेंट हमारा एक प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है. दूसरा प्रूफ ऑफ एड्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सर्जी के साथ रजिस्टर करेंगे, तो जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज हमारे उस होम एड्रेस के ऊपर सर्जी की तरफ से एक लेटर आ जाएगा. उसके ऊपर हमारा एक एड्रेस लिखा हुआ होगा, हमारा नाम लिखा हुआ होगा, हमारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी. तो वो भी हम एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ कर सकते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए. और बीआरपी ऑलरेडी हमारे पास होगा तो बीआरपी हम साथ देंगे और हमारा प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हमारा जो बैंक अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा. लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको हम एक तरीके से अपनी सेकेंड आइडेंटिटी भी कहते हैं यूके के अंदर, मतलब वो पोर्टेबल है वेयर एवर यू आर गोइंग. आप वो कहीं भी कोई बंदा आपसे डिमांड करता है आपकी आईडी के बारे में क्रॉस चेक करने के लिए, कोई भी किसी भी फोर्स का, किसी भी अथॉरिटी का बंदा, पुलिस वट एवर, आपसे अगर आपकी आइडेंटिटी डिमांड करती है तो आप उसको फ़ौरन वो दिखा सकते हैं. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोविजनल लाइसेंस ऑफ यूके. प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है. आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, एक नॉमिनल से फीस है वो पे करते हैं और आपने अपना बीआरपी जो है वो साथ भेजना होता है. ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है. इट टेक्स अराउंड 1 month अप्रॉक्सीमेटली. डिपेंड कर रहा होता है कि वॉल्यूम कितना हाई है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना लगता है. तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को लास्ट में डिस्कस किया है क्योंकि हमारा जो बीआरपी है वो बाउंड हो जाता है. तो इससे पहले जितने बीआरपी जिस प्रोसेस के अंदर यूज़ हो रहा होता है, हम उसको पहले फुलफिल कर लेंगे, वो डॉक्यूमेंट हम अवेल कर लेंगे, और एट द लास्ट जब हमारी सारी की सारी चीज़ें गैदर हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएंगी, देन हमने प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है. तो ये था आज का वीडियो का टॉपिक. आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स के अंदर हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको वीडियो कैसी लगी. आपका इस वीडियो से रिलेटेड या इससे रेलिवेंट किसी भी टॉपिक के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क. इंशाल्लाह हमारी जो एक्सपर्ट टीम है आपको उसके ऊपर पूरी पूरी रहनुमाई देगी, आपको गाइड करेगी. इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच.